एक मलयालम मूवी रिलीज हो रही है मार्को नाम की 20 दिसंबर को। बात करते हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी लगी है मूवी, साथ में टीजर देखते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। शरीफ प्रोड्यूसर മാർക്കോയുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കിനും എണ്ണം വേണം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് കൗണ്ട്സ്. നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ശത്രുക്കളുണ്ടോ? സാറിനോർക്കുണ്ടോ? उन्नी मुकुंदन, इफ आई हैव प्रोनाउंस इट करेक्टली, उन्नी मुकुंदन भाई, ये तो मतलब इंटरेस्टिंग है कुछ मलयालम इंडस्ट्री से। और इनके म्यूजिक रवि बसरूर भाई, मैं वही कहूं कि बैकग्राउंड म्यूजिक ऑसम था यार, मतलब नेक्स्ट लेवल ले जा रहा। देखो 20 दिसंबर को आ रही है, और मैं बता दूं मलयालम सिनेमा का ये साल पूरा बहुत तगड़ा धांसू चल रहा है। तो अभी तो ये टीजर है, और ये मुझे ये भी पता है कि ये स्पिन ऑफ है, आई थिंक एक मूवी 2019 में आई थी माइकल नाम से, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो। मैंने देखी नहीं है, बट मैंने जितना पढ़ा है 32-35 करोड़ के बीच का बजट है मूवी का, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे टीजर जबरदस्त लगा है, मजेदार टीजर लगा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि मैं देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब तो मलयालम जो सिनेमा की जो मूवी आती है ना, मैं उसको किसी को हल्के में लेता नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी टीजर है, थोड़ा टाइम बाद आई थिंक नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्ट में ट्रेलर दिखाएंगे, तो उसमें ज्यादा पता चलेगा मार्को मूवी क्या है। बट इंटरेस्टिंगली किष्किंधा कंडम जो लास्ट आई थी, उसके बाद ये एक मुझे मूवी लग रही है जो मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में आ सकती है, अगर हम बॉलीवुड की बात करें। और कोई बड़ी बात नहीं है, दिसंबर में बॉलीवुड की तरफ से भी आई थिंक आमिर खान की मूवी आ रही है, और एक और कोई बड़ी मूवी आ रही है, बट साथ में ये भी आएगी। तो भाई हिंदी रिलीज अच्छी करें, और क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूं मूवी देखने। बंदा हीरो जबरदस्त लग रहा है, मासी एक्शंस लग रहे हैं, और क्लास भी लग रही है साथ में, मास के साथ क्लास भी लग रही है। स्टोरी होनी बेहद जरूरी है, म्यूजिक आउटशाइन कर रहा है, और देखने वाली बात यह है कि मॉलीवुड यानी मलयालम सिनेमा इस बार इस मूवी से क्या मास और क्लास वाले योनर में कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। एक आवेशम आई थी, बट वो एक्शन नहीं बोलूंगा, कॉमेडी मास एंटरटेनर थी। तो यहां पे ये एक्शन थ्रिलर आती हुई कुछ दिख रही है, इंटरेस्टिंग दिख रही है, इंटेंस दिख रही है। बीच में जो सीन जो मतलब डाला हुआ था, पता नहीं हड्डी थी या क्या था मुंह में, इंटरेस्टिंग था वो सीन। तो देखने वाली चीज होगी, आप बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपको क्या लगता है मार्को चलेगी या नहीं चलेगी। साल तो बढ़िया जा रहा है भाई मलयालम सिनेमा का, सोने पे सुहागा। ये मूवी लास्ट में आते आते देखो क्या करके जाती है, आइसिंग ऑन द केक बनती है कि नहीं बनती है। टेक केयर, बाय बाय।